आज का व्लॉग इसलिए शुरू हो रहा है इतनी लेट और मैं गाड़ी में क्यों हूँ, मैं जा रहा हूँ अफ्तारी लेने के लिए बिकॉज आज मैंने कहा था मेरी तरफ से होगी घर पे अफ्तारी और मैं ही लेट सो के उठा भाई। और लेट क्यों सो के उठा आप लोग की वजह से, आप लोग तक टाइम पे व्लॉग पहुँच जाए तो इसलिए। अब आप लोग तक टाइम पे ब्लॉग पहुँचाना है तो एडिटिंग करनी पड़ती है, सुबह ही बैठ के उसको अपलोड करना पड़ता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाता है टाइम। तो करते कराते ये मुझे टाइम हो गया था 8 बज गया था। अब 8 बजे तो मैं बिस्तर पे लेटती फ़ौरन तो नहीं सो जाऊँगा, फिर थोड़ा बहुत काम था मुझे अपना वो मैंने किया, फिर उसके बाद मैं सोया हूँ सुबह 9:30 बजे। तो अभी टाइम हो रहा है भाई 6:30 और सिर्फ 14 मिनट है यार, बड़े घंटे 14 मिनट है अफ्तारी खुलने में। और हमें 14 मिनट में क्या अफ्तारी मिलेगी, क्योंकि जैसे भी अफ्तारी पर जाएंगे तो वहाँ तो होगा बड़ा रश, तो इसलिए हम चलते हैं KFC से KFC उठाते हैं और फिर आते हैं वापस। ठीक है तो चलो फटाफट से। और आज है 29वीं शब तो आज काफ़ी बड़ी रात है, तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं KFC। वहाँ से मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई है क्योंकि नींद ही पूरी नहीं हुई है, वहाँ से चल के अफ्तारी उठाते हैं और फिर वापसी घर आते हैं। ये अभी पहुँच चुके हैं तो फटाफट से चलते हैं अंदर और उठाते हैं सामान। भाई ने ऑर्डर तो कर दिया मगर आपके भाई का गोल्डन नंबर है भाई 0002, वो चेक करो बिल्कुल ऊपर गोल्डन नंबर। आपको तो पता है भाई का लेवल ऑर्डर आ चुका है तो अब हम निकलते हैं फटाफट से घर की अफ्तारी में। खाली बचे हैं 4 मिनट तो हम नहीं चाह रहे हमारा रोज़ा रोड तो खुले, हम चाह रहे हैं कि हमारा रोज़ा घर में खुले और अल्लाह ताला हमारा रोज़ा खिलाएंगे घर में। तो चलो पहुँचते हैं फटाफट। तो भैया आपको जैसे कि पता है ईद आ रही है, ईद में थोड़ा ये अफ्तारी यहाँ पर लगी हुई थी, ख़राब हुई हुई थी तो उसकी मशीन आ गई है तो अभी ये लग जाएगी। वो याकूब भाई लाइट छोड़ो, लाइट अभी मिल नहीं रही, लाइट बाद में लगा देंगे कल परसों आएंगे ना तब। छोड़ें बस लाइट छोड़ें, यही लगा दें मोटर के साथ ही लाइट का कनेक्शन है, ये लग जाएगी ना यहाँ तो फिर इसमें पानी बहता हो अच्छा लगेगा। कपड़े वपड़े बदलने क्योंकि आज 29वीं शब है। ओ हाँ 29वीं शब है तो ये नए कपड़े रखे हैं, इनमें से कोई सूट निकाल लेता हूँ पहनता हूँ फिर निकाल। तो भाई शहर हो गया खैबर शनवार, तो चलते हैं फटाफट से भाई खाते हैं यहाँ से। तो चलो भाई अभी यहाँ पे बन रहे हैं खैबर शनवार का ये किचन है, तो यहाँ से जो ताज़ा गोश्त कटता है भाई पूरा तब ये गोश्त, तब ये रिब्स का गोश्त कट रहा है ना, अभी हमने बोली है मंदी रिब्स विथ राइस तो ऐसे यहाँ पे गोश्त कटेगा, ये वाला होता है ये ऐसे पूरा आएगा फिर वहाँ। चलो यहाँ से ये वाला प्रोसेस है ख़त्म, फिर यहाँ पे ऐसे बनता है सारा रिब्स, फिर इसके अंदर सिकता है फॉइल के अंदर और ऐसे पैक होता है, फिर यहाँ पे आके पैक होता है और वो है नमकीन बोटी, फिर ऐसे पैक हो गया इसके ऊपर, फिर ऐसे सारा सिस्टम चला है वहाँ पे ऐसे, और बस यही सारा सिस्टम है। तो ये खाना वाना चुका इसके नीचे से राजा सब है काशिफ भाई खाना पीना कर दिया यहाँ से दूध सोडा पीने, तो अभी ये बन रहा है ये चेक कर ये, ये ऐसे करके अंदर यार 3 गिलास दूध सोडा कर देना, ये है स्लाइस दूध और ऐसे करके चलते हैं यार 3 गिलास दूध सोडा स्लाइस और ये पाव आ जाएगा मेरे दूध के नीचे स्लाइस। वो ऐसे बन रही है, ये ऐसे कर दिया इसमें क्रश बर्फ आती है और ओहो अब इसमें जाएगा ये पाकोला।
ये तैयार है अंकल। ये शायद ये किसी और का बना है, ये तो बहुत सारा है। 110 की है। तो भाई वो कह रहे हैं 3 इसी में बन जाएंगे, अभी हमारा बन जाए, बन भी गया यार। ये अंकल गिलास में गिलास दूध सोडा बस बस दुआ कर रही हो का। तो भी नमाज वगैरह पढ़ना है भाई, तो वजू तो यार क्यों खाली कुल्ली करनी है। नमाज शुरू हो गई है तो चलो जल्दी सुनना था, पढ़ते फिर ज्वाइन। तो भाई मस्जिद तो खाली हो गई है पूरी, तो अब यहाँ पर बैठ के ये सुनेंगे। चाल ईद आने वाली है, याद तुम भी आओगे क्या, मिलने आओगे बोलो ना जरा। एक तुम ही नहीं आए मिलने, मुझसे कफा हो तुम हिलके, तुम नहीं आए मरने बोलो ना जरा। एक तुम ही नहीं हो फिर झूठे, सारे हैं सब मोटे झूठे, तुम तो बताओ कैसे हो तुम रोलो ना जरा। ईद आने वाली है कैसा बना है आपके मैंने गाना, कैसा बना है आपके मैंने गाना, ये है अब दूसरी आवाज में सुना। ईद आने वाली है, याद तुम भी आओगे क्या, मिलने आओगे बोलो ना जरा। एक तुम ही नहीं आए मिलने, मुझसे खफा हो तुम मिलके, हा 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 हा। बस अहमद क्या हो गया आपको, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई। सॉरी मैं क्या, चलो भाई बहुत हो गई एक्टिंग, बहुत हो गया सब कुछ। तो भाई अभी आ गया है व्लॉग को एंड करने का टाइम यार, और आपके भाई का ईद आने वाली है। क्या कमरे का क्या मकसद यार, बीवी नहीं है तो कोई साफ नहीं करेगा क्या, हम करेंगे खुद करेंगे। फिलहाल मेरे कमेंट सब्सक्राइब करो, ज्यादा लाइक करो, मिलते हैं कल, ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस।